and welcome to my channel. My name is Suhani and today we will be studying about national income, and that national income we will be studying about circular flow of income. Okay, so when we talk about circular flow of income, so what is circular flow of income? See, in every economy there's a system in which money is transferred from one sector to another. So this system जो कि ये सिस्टम बनाया गया है जहां से वन एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के बीच में पैसा ट्रांसफर हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर हो रहे हैं, उसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो जब हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करते हैं तो हम चार सेक्टर्स की बात करते हैं, उन सेक्टर्स को हम लोग कैरेक्टर्स के तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चार पार्टीज हैं जिनकी हम लोग बात करेंगे और उनमें कैसे मनी और गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर होते हैं हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो वो चार जो सेक्टर्स हैं जिनकी हम लोग बात करने वाले हैं वो तो है पहला हाउस होल्ड, दूसरा है फर्म, तीसरा है गवर्नमेंट, चौथा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो पहले हम लोग टू सेक्टर मॉडल को स्टडी करेंगे जिसमें हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे हाउस होल्ड का और फर्म्स का, और ये टू सेक्टर मॉडल विदाउट कैपिटल मार्केट है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टू सेक्टर मॉडल विद कैपिटल मार्केट एज वेल। नाउ वी विल बी स्टडीइंग अबाउट टू सेक्टर मॉडल विदाउट कैपिटल मार्केट। सो इस मॉडल में दो पार्टीज हैं, एक पार्टी है हाउस होल्ड जो कि होते हैं हम लोग, एंड फर्म्स। फर्म्स क्या होती है? प्रोडक्शन यूनिट्स होती है। नाउ प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग को चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं। वो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पहला होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है कैपिटल, चौथा होता है एंटरप्रेन्योर। सो अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म को कहां से मिलते हैं? फर्म को ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलते हैं हाउस होल्ड से। सो हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज। तो हम लोग लिख देंगे नंबर वन फैक्टर सर्विसेज। ओके, अब जब हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है फर्म को, सो फर्म इन रिटर्न फैक्टर पेमेंट्स देता है हाउस होल्ड को। सो इन रिटर्न वी राइट फैक्टर पेमेंट्स। अब ये फैक्टर पेमेंट्स किस हिसाब से होते हैं? जैसे फैक्टर सर्विसेज चार टाइप की थी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये चारों चीजों के रिटर्न में क्या मिलेगा? लैंड के बदले में हम लोग को हमेशा रेंट मिलेगा, लेबर के बदले में वेजेस एंड सैलरीज मिल जाएंगी, कैपिटल के बदले में हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा एंड एंटरप्रेन्योर को मिलेगा अपना प्रॉफिट। अब जो फर्म से हाउस होल्ड पे फैक्टर पेमेंट्स ट्रांसफर हो गए, दैट मीन्स हमारे पास पैसा आ गया, तो हाउस होल्ड क्या करेगा? अब उसे कंजम्पशन करेगा। कंजम्पशन करेगा कहां से? यहां से प्रोडक्शन हुआ और गुड्स एंड सर्विसेज फॉर्म हुए, तो अब हाउस होल्ड क्या करेगा? वही गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा। तो क्या यहां पर थर्ड नंबर पे होगा कंजम्पशन? एक्सपेंडिचर। एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब हुआ तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यहां से पैसा गया फर्म को, तो फर्म क्या करेगी? फ्लो करेगी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हाउस होल्ड के कंजम्पशन में मदद आएगा, मतलब हाउस होल्ड जिसको कंज्यूम करेगी। सो फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज। सो दिस इज आवर टू सेक्टर मॉडल, बट चीजें यहां पे खत्म नहीं होती हैं। जब हम लोग इस मॉडल को देख रहे हैं तो हम लोगों ने देखा कि फ्लो ऑफ मनी भी हो रहा है और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी हो रहे हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लोज इन दिस पर्टिकुलर मॉडल, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
सो आप बोलोगे कि ये फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फ्लो ऑफ मनी का कुछ नाम भी होता होगा. हाँ, इनका नाम होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बोलते हैं हम लोग रियल फ्लो, एंड फ्लो ऑफ मनी को हम लोग बोलते हैं मनी फ्लो. अभी जब हम लोगों ने एक टू सेक्टर मॉडल विदाउट कैपिटल मार्केट पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं और फ्लो ऑफ मनी होती है. तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बोलते हैं रियल फ्लो और फ्लो ऑफ मनी को बोलते हैं मनी फ्लो. ठीक है, अब जब हम लोग टू सेक्टर मॉडल विद कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे तो जो हमारा मॉडल होगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, पर एक और पार्टी ऐड हो जाएगी जिसका नाम होगा कैपिटल मार्केट. एंड कैपिटल मार्केट को इट्स जस्ट लाइक अ बैंक. ओके, तो जब हाउस होल्ड के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो क्या करेगा, एडिशनल पैसा क्या कर देगा, सेव करेगा. सो इस हाउस होल्ड के थ्रू क्या हो रही है, सेविंग हो रही है कहाँ पे, कैपिटल मार्केट में. और फर्म्स को जब पैसों की नीड होगी किसी भी चीज में तो वो क्या करेगा, वो एज अ इन्वेस्टमेंट, एज अ इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, कैपिटल मार्केट से पैसा बोरो कर लेगा. सो ये फ्लो होता है. ठीक है, अब हम लोगों ने टू सेक्टर मॉडल विदाउट कैपिटल मार्केट भी पढ़ लिया है और टू सेक्टर मॉडल विद कैपिटल मार्केट भी पढ़ लिया है. सो लेट्स कम ऑन एक डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सो इट रिफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम वेयर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम. टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो हमारे दो टाइप के होते हैं, वन इज द रियल फ्लो एंड वन इज द मनी फ्लो. नाउ अब हम लोग इनके बीच में क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे. जब भी हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे, ये तो पहली बात तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज, जब भी हम लोग डिफरेंसेस लिखें हमेशा बेसिस के साथ लिखें. बेसिस के साथ डिफरेंसेस लिखेंगे तभी नंबर मिलेंगे, वरना आपके नंबर कट जाएंगे. तो पहला हम लोग देखेंगे बेसिस इज मीनिंग. तो रियल फ्लो का मतलब क्या होता है, इट इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग्स वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. वही बात है कि फ्लो है किसका, गुड्स और सर्विसेज का अमंग द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. फिर मनी फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो होता है कि गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है. मनी ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द अदर हैंड किसका फ्लो होता है, इट इज अ फ्लो ऑफ मनी बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. ये पैसे का फ्लो होता है, ये गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है. नाउ वी कम ऑन द काइंड्स ऑफ एक्सचेंज. ये किस टाइप का एक्सचेंज इन्वॉल्व करता है, ये इन्वॉल्व करता है गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज. हम लोग पढ़ भी सकते हैं इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब मनी फ्लो क्या करता है, मनी फ्लो इन्वॉल्व करता है एक्सचेंज ऑफ मनी. ओके, इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ मनी. नाउ कमिंग टू द डिफिकल्टी ऑफ एक्सचेंज, इससे पहले आपको पता होगा कि बार्टर सिस्टम क्या होता है. बार्टर सिस्टम ये होता है कि मेरे पास कुछ गुड्स है, मुझे कोई और गुड्स चाहिए तो मुझे अपने गुड्स उसके गुड्स के लिए रिप्लेस करने पड़ेंगे. उसको अपने गुड्स लेने पड़ेंगे उसके गुड्स लेने के लिए, उसको बार्टर सिस्टम बोलते थे. अब बार्टर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी. डबल कोइंसिडेंसेस ऑफ वॉन्ट्स. दूसरी प्रॉब्लम ये आती थी, स्टोरेज की प्रॉब्लम हो जाती थी. तो जब हम लोग रियल फ्लो की बात करते हैं तो एक में सफर फ्रॉम द डिफिकल्टीज ऑफ द बार्टर सिस्टम. तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक डिफिकल्टी ऑफ एक्सचेंज है किसमें, रियल फ्लो में जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं. एंड व्हेन वी कम ऑन द मनी फ्लो में देयर इज नो सच डिफिकल्टी. ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द ऑल्टरनेटिव नेम. सो द ऑल्टरनेटिव नेम फॉर द रियल फ्लो इज द फिजिकल फ्लो. The alternative name for the real flow is the physical flow, and the alternative name for the money flow is the nominal flow. Okay, at times what happens is कि लोग क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए क्या करते हैं कि उसके alternative नाम के साथ आपको difference लिखने के लिए दे देते हैं कि write down the difference between the physical flow and the nominal flow. At that time students क्या होते हैं, बहुत confused हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने real flow और money flow पढ़ा होता है और उनको difference लिखने को आ जाता है physical flow और nominal flow में. तो alternative नाम लिखना और learn करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. About the difference between the stock and flow. Over here also when we are talking about differences, bases are very important. So again, we will write the basis.
and then we'll be writing our differences, and examples are also very important. Now, before explaining you what stock and flow is all about, let me give you an example so that it becomes way more easier for you to understand what is this concept all about, okay? So, for example, एक wheat का production हो रहा है, ठीक है? तो जब wheat का production हो रहा है, तो जब वो production हो रहा है, तो वो एक flow concept है. अब उस wheat को लेके हम लोगों ने store कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा? स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा. तो जब कोई चीज, जैसे एक टैप है और टैप के नीचे अगर मैंने एक बाल्टी रख दी है, तो जो पानी फ्लो हो रहा है टैप से बकेट में जो जा रहा है पानी, तो वो हो गया फ्लो कॉन्सेप्ट. और जो पानी बकेट में सेव हो रहा है, जो स्टैटिक है, जो रुक गया, उसको क्या बोलेंगे? स्टॉक कॉन्सेप्ट. कोई बात. ओके, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मीनिंग. ओके, सो व्हाट इज दिस मीनिंग? Stock variable is a variable which is measured at a particular. So now we'll highlight this at a particular point of time. A point of time पे जो चीज measure कर रहे हो आप, वो हो जाएगा आपका stock variable. And flow variable refers to that variable which is measured over a period of time. It is measured over a period of time. So this at and this over are the keywords, because in stock it is measured at a particular period of time and it is measured over a period of time. Okay, now coming on the time dimensions. So when it comes to the stock concept, we'll keep this thing in mind that they do not have any time dimensions. Stock concept mein koi time dimensions nahi hote. But when we come to this flow concept, flow variable, there it has a time dimension. Okay? It has a time dimension. Now moving to the nature of concept. So as I told you, when it comes to stock variable, it is a static concept. Static matlab ruka hua. It is a static concept. On the other hand, the flow concept is a dynamic concept. Okay? Now moving to the example. Population of India on 24th March 2020. So we are talking about a period of time. We are talking about a period of time that, okay, on this date the population of India was this much. Maybe anything, like you can imagine any number. Like on that particular date the population of India was that much. So we are talking about a particular period of time. Now when we come to the flow concept, number of births during 2019. So then it becomes a flow concept, like we are talking about the number of births that has taken place during whole 2019. Okay, and it also has a time dimension. Okay, as I already told you, like when we talk about the flow concept, we talk about things over a period of time. Similarly, you could see that we are talking about the number of births in example during 2019. We are talking about things over a period of time. Okay, I hope you're clear with this particular concept. Thank you. So now we'll be studying about the three sector model. Okay, so in three sector model, two sector model with capital market or financial market the same रहता है, पर एक और party जुड़ जाती है जिसका नाम होता है government. So ये government यहाँ पे join हो जाता है, ठीक है? Three sector model है. अब हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट का हाउसहोल्ड्स के साथ क्या रिलेशन है और गवर्नमेंट का फर्म के साथ क्या रिलेशन है. तो सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट को फर्म और हाउसहोल्ड दोनों क्या करती है? टैक्स पे करती है. सो इन दोनों ही केसेस में क्या होगा कि टैक्स पेमेंट होगा फ्रॉम बोथ द साइड्स टू गवर्नमेंट. ओके, टैक्स पेमेंट गवर्नमेंट में काम करते होंगे तो उनको कुछ सैलरी, कुछ पैसा मिलता होगा. उस पैसे को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसफर पेमेंट्स. तो गवर्नमेंट के साइड से हाउसहोल्ड को क्या जाता है? ट्रांसफर पेमेंट्स. ओके,
परचेजेस कहाँ से करेगी? प्रोडक्शन यूनिट से. प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पे क्या है? फर्म है, तो उनको भी वो कुछ पेमेंट्स देगी. तो उस पेमेंट्स को, या कभी कभार क्या होता है, गवर्नमेंट फर्म्स को सब्सिडरीज देती है, तो गवर्नमेंट के थ्रू फर्म्स को क्या जा रही है? सब्सिडरीज. What are tractor services? Right now I've told you कि firms क्या होती हैं, basically production units होती हैं. अब चार factors of production होते हैं, अभी मैंने पढ़ाया था. चार factors of production होते हैं, land, labor, capital and entrepreneur. तो ये चीजें, ये चार चीजें, ये जो factors of production है, ये firm के पास कहाँ से आएंगी? ये आएंगी household से. ठीक है, सो ये क्या होती है, ये चार चीजें फैक्टर सर्विसेज में आती है, जो कि फर्म को कहां से मिलती है? हाउस होल्ड से. सो फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म क्या जा रहा है? फैक्टर सर्विसेज. एंड इन रिटर्न फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड फैक्टर पेमेंट्स क्या आते हैं? अब फैक्टर पेमेंट्स किस टाइप में होते हैं? जैसे लैंड को क्या होता है? लैंड के बदले हम लोग को क्या मिलता है? रेंट मिलता है. लेबर की जगह हम लोग को क्या मिलता है? वेजेस एंड सैलरी. कैपिटल की जगह क्या मिलता है? इंटरेस्ट. एंड एंटरप्रेन्योर की जगह मिलता है, को मिलता है प्रॉफिट. ओके, सो इस तरीके से फर्म के थ्रू फैक्टर पेमेंट्स होते हैं हाउसहोल्ड से. तो हाउसहोल्ड प्रोवाइड करते हैं फर्म को फैक्टर सर्विसेज, और फर्म को क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या चाहिए होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. और फिर फर्म के थ्रू हाउसहोल्ड को क्या जाते हैं? फैक्टर पेमेंट्स. तो फैक्टर पेमेंट्स कैसे? जैसे लैंड के बदले मिलता क्या है? रेंट. लेबर के बदले वेजेस एंड सैलरीज. कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है उसका प्रॉफिट. समझ में आया आपको? यस मैम. यस मैम. क्या नाम है? कंसम्प्शन एक्सपेंडिचर. क्या है यार? पॉज कर दो. नो नीड मैम. कंसम्प्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है? अभी मैंने तुम्हें बताया था कि फर्म क्या करता है, फैक्टर पेमेंट देता है हाउस होल्ड को. आपकी टेकिंग फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड. ओके, अब क्या हो गया, हाउस होल्ड के पास क्या आ गया? पैसा आ गया. अब जब पैसा आ गया तो उससे वो क्या खरीदेगा? गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा. कहाँ से खरीदेगा? फर्म से खरीदेगा, क्योंकि फर्म में गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है, तो हाउस होल्ड क्या करेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा. किसको? मतलब फर्म को. मतलब कंज्यूम करेगा, मतलब कंजम्पशन का पैसा देगा. गुड्स देगा तो पैसा भी तो देगा ना फर्म को. तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहाँ पे आया? फर्म के पास. तो फर्म फ्लो कर देगी गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड में. मतलब जो पैसा हाउस होल्ड के पास आया एज फैक्टर पेमेंट्स, वो वापस फर्म में चला गया, क्योंकि गुड्स एंड गुड्स उसको खरीदने थे बाय कंजम्पशन के लिए. तो हाउस होल्ड ने क्या किया? पैसा दिया फर्म को गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए. तो फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर हो गई हाउस होल्ड में. समझ में आया आपको? थैंक यू. हाँ चलिए. वेल, अब हम लोग पढ़ेंगे फोर सेक्टर मॉडल, जिसमें हमारी एक और पार्टी आ जाती है, जिसका नाम होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारा क्या रिलेशन होता है? चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे वो फर्म हो, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का ही रिलेशन होता है. ठीक है, और पहले हम लोग फर्म का देखेंगे कि फर्म का कैसे रिलेशन है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, एंड फिर देखेंगे कि हाउस होल्ड का क्या रिलेशन है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ. ओके, सो फर्म क्या करता है? फर्म, जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज इम्पोर्ट करवा रहा है. ठीक है, तो कुछ जब इम्पोर्ट करा रहा है तो उसके पैसे देगा. तो पैसे किसको देगा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में. तो पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट कहाँ से आता है? फर्म टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या जाता है? पेमेंट ऑफ फॉर इम्पोर्ट. और अगर हम लोगों ने बाहर कुछ एक्सपोर्ट करा, हम लोगों ने कुछ भेजा है बाहर, तो उसका पैसा हमारे पास आएगा. तो सिंपली रिसिप्ट फॉर एक्सपोर्ट हम लोगों रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू फर्म आती है. ठीक है, अब बात कर लेते हैं हाउस होल्ड की. तो हाउस होल्ड को बाहर से ट्रांसफर पेमेंट्स मिलते हैं, कि कोई इंसान बाहर रहता है, आपका कोई रिलेटिव बाहर रहता है, वो आपको पैसा ट्रांसफर कर रहा है, तो वो पैसा मिलता है. या तो कभी आपने कोई सर्विस रेंडर करी हो कहीं बाहर और उसका पैसा आपको मिल रहा है, तो ये पैसा जो मिलता है वो आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू हाउस होल्ड मिलता है. पेमेंट्स ऑफ फॉर फैक्टर सर्विसेज, कभी आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी हो उसका कोई पैसा आपको मिला हो, या नेट ट्रांसफर पेमेंट, कोई किसी ने आपको पैसा ट्रांसफर करा हो, तो उसको बोलते हैं नेट ट्रांसफर पेमेंट्स. और ऑन द कॉन्ट्ररी, हम लोग अगर कुछ भी खरीदते हैं बाहर से, तो हम लोग पैसा देते हैं, तो पेमेंट्स ऑफ इम्पोर्ट
हाउसहोल्ड करता है टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है जो कि बहुत सस्ती मिल रही है बाहर एज कम्पेयर टू इंडिया, तो हम क्या करेंगे बाहर से वो सामान खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, तो उस पैसे को क्या बोलेंगे पैसा हमारे साइड से हाउस होल्ड के साइड से बाहर जा रहा है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. लाइक फॉर एग्जाम्पल आईफोन बाहर ज्यादा सस्ता है तो हमने बाहर से खरीद लिया तो हमारे साइड से पैसा जा रहा है. तो पेमेंट्स फॉर इम्पोर्ट कहाँ से हो रहा है हाउस होल्ड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. आई होप कि आपको समझ में आया हो. यहाँ से हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है. होपफुली आपको समझ में भी आया हो. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक इट एंड कमेंट ऑन इट. थैंक यू सो मच. आप लोग का कोई क्वेश्चन आपको समझ में आया अच्छा सर? कोई क्वेश्चन मैम? व्हाट इज नेट ट्रांसफर पेमेंट्स? हाँ सी, नेट ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होते हैं कि किसी ने तुम्हारे अकाउंट में बाहर से पैसा ट्रांसफर करा दिया, तुम्हारे पास पैसा आया है कई बार से, दैट इज नोन एज नेट ट्रांसफर पेमेंट्स. ओके, एनीथिंग एल्स? सब है, नथिंग मैम. व्हाई यू हैव रिटन पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज? वेयर मैम? देयर नेट ट्रांसफर पेमेंट. नेट ट्रांसफर पेमेंट तो मैं काटेंगे ऊपर वाला पेमेंट ऑफ फैक्टर. अरे देखोगी सर्विसेज पेमेंट that's the same thing na. Payment for factor services means any time you must have rendered some service apne India ke bahar and for that you're getting money, so that is known as payment for factor services. And net transfer payments is ki kisi ne bahar se tumhare account mein paisa transfer kar diya. Simple. Anything else anybody? Thank you so much class.